से हाथ रखूं, उधार इधर। ये बहुत ही टेस्टी एग कटलेट बनके तैयार है। इसको बनाइए, खाइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, श्री होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं अंडा पकौड़ी या अंडे का चॉप। यह आलू धो के अब इसमें जितना भी अंडा आपको चाहिए डाल दीजिए, दोनों को उबाल लीजिए मिला के। और ये एक कच्चा रखिए, इसको बाद में घोलने के काम आएगा। अब इसको पूरा पकने तक पकाइए। अब निकाल लीजिए इसमें से अंडा को, आलू को भी चेक कर लीजिए। आलू भी पक गया है तो इसको बंद कर लीजिए और अंडा को और आलू को छील लीजिए। यह है तेल, जीरा, हरी मिर्ची, प्याज और धनिया है। आप इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। यह नमक, हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मिक्स, सब्जी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और ये गरम मसाला। इसमें डालिए आलू। अब ये धनिया भी डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आलू मसाला बहुत ही टेस्टी बनके तैयार है। ये लीजिए एक अंडा और इसको मिलाइए, इसमें डालिए थोड़ा सा नमक। ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा है। ये है होममेड ब्रेड क्रम्स। अब एक अंडा का दो पीस कीजिए। और ये
लगाइए इस तरह से। आलू मसाला अभी गर्म है ये। इसको डिवाइए अंडा के घोल में। गर्म नहीं हुआ था। और ये एग कटलेट या एग चॉप बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी। इसी तरह से सभी को बनाइए।
मैं तो भी हम यहाँ से पूछती और ना काटती कितना अच्छा डाल था क्यों खराब कर रखना ये बहुत ही टेस्टी एग कटलेट बन के तैयार है। खाइए, बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।